यूपी में विधानसभा उपचुनाव के दंगल के बाद बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां समाजवादी पार्टी अपना दमखम दिखाने की तैयारी में लग गई है और इसके लिए 18 और 19 अक्टूबर को पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी हुंकार भरेंगे। महाराष्ट्र के मालेगांव और धुले में अखिलेश यादव चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में हुंकार भरेंगे अखिलेश, मालेगांव धुलिया में चुनाव प्रचार, पूर्वांचल के लोगों में पैंट बढ़ाएगी सपा, 12 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार। लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी विस्तार की नीति पर निकल पड़ी है। अब महाराष्ट्र में पार्टी की पैंट बढ़ाने को लेकर अखिलेश यादव नई रणनीति तैयार करने में लगे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी दमखम के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। इसी की शुरुआत अखिलेश यादव की चुनावी जनसभाओं से होने जा रही है। अखिलेश यादव दो दिन के चुनावी दौरे पर महाराष्ट्र के मालेगांव और धुले जा रहे हैं। पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है, वो धुलिया आ रहे हैं, मालेगांव आ रहे हैं। धुलिया में कहाँ पूर्वांचल को रहते हैं, बहुत कम लोग पूर्वांचल के हैं, और मालेगांव में कहाँ यूपी के कम लोग हैं। हम जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ के लोग भी हैं। समाजवादी पार्टी दोनों सीटों पर प्रचार शुरू कर चुकी है। 18 तारीख को नासिक में आएंगे शाम को 4 बजे, शाम को 6 बजे मीटिंग करेंगे मालेगांव में, दूसरे दिन 11-12 बजे धुलिया में मीटिंग करेंगे। 18 अक्टूबर को मालेगांव में अखिलेश यादव की रैली है, वहीं 19 अक्टूबर को धुले में अखिलेश चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों ही मुस्लिम बहुल इलाके हैं। खास बात यह है कि यहाँ पूर्वांचल से आकर बसे हुए लोगों की संख्या काफी है। मुझे तो नहीं लगता उनका कुछ फायदा हो सकता है वहाँ पे आके, बिकॉज उनका जो भी पॉलिटिक्स जो भी वो चलता है सब यूपी के अंदर चलता है। इवन यहाँ पे इतने दूर आना और यहाँ पे हिंदी भाषी लोगों के हिसाब से वो आ रहे हैं कि उनको सीट मिल पाएंगे क्योंकि वो लोग उनको वोट देंगे। होना चाहिए, क्योंकि जैसे अपना इलेक्शन हुआ अभी लोकसभा का, उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंस हुए उनके तरफ, तो बहुत सारी जगह पे उनका इन्फ्लुएंस। महाराष्ट्र में ईडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की डिमांड की है, साथ ही अकेले मैदान में उतरने की तैयारी भी है। फिलहाल मुस्लिम बहुल इलाकों से अखिलेश यादव चुनावी आगाज कर सियासी पिच तैयार करने में लगे हैं। अखिलेश की इन दोनों रैलियों के बाद ही तय होगा कि समाजवादी पार्टी का जनाधार कितना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।